मेरा का व्रत है और मैं आज देख सकते हैं मैं खाना बना रही हूँ। तो आज मैं बनाई हूँ, ये आप देख सकते हो, मैं ये भिंडी का सब्जी बना रही हूँ और ये मसाला मैं तैयार कर ली हूँ। और ये नोनी का साग है, नेनुआ है, इसका मैं सब्जी बनाई हूँ। फिर मड़ुआ का रोटी बनाऊँगी। चलिए वीडियो। हेलो गाइस, देख सकते हैं मैं अभी जो आप देखे होंगे ना, तो जिस दिन मेरा फास्ट था ना, बिहार में होता है, जिस दिन फास्ट रहने के एक दिन पहले नहाए खाए के दिन, ये सब मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, यही सब खाया जाता है, तो वही मैं दिखा रही थी। उस दिन नहाए खाए था। ये सेकंड डे है जो कि आज व्रत है जितिया का, जो बिहार में होता है, जो अपने हर माताएँ अपनी बच्चे के लिए करती है। तो और शाम का समय नहा धोवा के मैं ये देख सकते हैं साड़ी मैं पहन ली हूँ और मैं घर में ही मेकअप कर रही हूँ और बहुत कम प्रोडक्ट से मैं मेकअप करूँगी, आप देख लेना पूरा वीडियो में। और फिर हम लोग पूजा करने जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, पहले मैं सिर्फ फेस वॉश की थी नहाने के बाद, नहा करके फेस वॉश की, उसके बाद आप देख सकते हो मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ जो कि है अरोमा मैजिक का, बहुत ही बढ़िया है गाइज। उसको लगाने के बाद बिल्कुल मेकअप बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाता है। और मुझे केरलॉन का बहुत ही पसंद है, कहीं भी लगा के जाओ, ना केकी होता है, ना श्वेट होता है, कुछ भी नहीं होता है। इतना बढ़िया मुझे रिजल्ट लगता है केरलॉन का ना, कि मैं, मेरे पास बहुत सारे फाउंडेशन है, मैं लेकिन मैं इसी को रेकमेंड करती हूँ, मैं इसी को ज़्यादा मैं यूज करती हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बस थोड़ा सा प्रोडक्ट मैं लाई थी शॉप से अपना, और फिर मैं हाथ से ही कर रही हूँ, मैं कोई ब्रश, कोई ब्यूटी ब्लेंडर कुछ भी मैं यूज नहीं की हूँ। मैं शाम को बस तैयार हो रही थी, तो देख सकते हैं हल्का सा मैं फाउंडेशन लगा ली हूँ चेहरे पर, और सिर्फ मैं मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाई थी, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई थी। उसके बाद ये मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ, तो जो प्रोडक्ट था हमारे पास बस मैं कर ली। और ये देख सकते हैं आई शेडो मैं लगा रही हूँ, थोड़ा सा आई शेडो था घर में ही जो मैं हमेशा यूज करती हूँ वही था, तो मैं आई शेडो फिंगर से ही लगा ली, फिर बिंदी लगा ली, फिर देख सकते हैं लिपस्टिक मैं लगा ली हूँ, और फिर देख लेना। और फिर मेरा मेकअप बस सिंपल से मैं बिल्कुल तैयार हुई हूँ, और आप देख सकते हो आई लाइनर मैं लगा रही हूँ। और मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर दी हूँ, और मेरे पास स्टैंड नहीं था घर में, स्टैंड मैं रखी नहीं हूँ, सारे स्टैंड दुकान में है, और मुझे याद भी नहीं पड़ा कि छोटा वाला स्टैंड लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोची आप लोगों का सर साथ शेयर कर दूँ ताकि मेकअप आप लोग भी समझ सके, वो कम प्रोडक्ट में भी अच्छा हो जाता है मेकअप। तो आप देख सकते हैं मैं काजल लगा रही हूँ, लाइनर भी मैं लगा ली हूँ, काजल लगा रही हूँ, और फिर मैं ये साड़ी देखो आप पहन ली हूँ जो कि मेरी भाभी दी थी, मैं गई थी मायके तो मेरे को भाभी ये दी है साड़ी, कैसा लग रहा है कमेंट में आप बता सकते हो। और मैं ब्लाउज मैं खुद स्टिच की हूँ, और ये टी जीतिया के दो दिन पहले मैं इसको, एक दिन पहले मैं फाइनली इसको तैयार की हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ मेरा ब्लाउज कैसा लग रहा है आप लोगों को, और आप देख सकते हो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हो गई मेरा, मैं जाके से पूजा करना है, तो सब होगी मेरा बेटा, और मेरी चूड़ी हो गया, और मैं थोड़ा सा मुझे लगाना था हाइलाइट कर, मैं बन गई स्मार्ट मम्मी, बिल्कुल स्मार्ट मम्मी मैं बन गई हूँ।
गाइस देख सकते हैं, मैं तैयार होने के बाद एक दो को मैं फ़ोटो खिंचवाई हूँ। कोई भी नहीं खींच रहा था, लेकिन मैं एक दो फ़ोटो खिंचवाई हूँ, जो बैक का ब्लाउज का भी पंडित जी को जो करवा रहे हैं। मैं एक बच्चे से बोली कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लूँ, तो वही मैं हमेशा मंदिर में ही जाती हूँ, कथा पंडित जी बोलते हैं मैं सुनती हूँ, और घर में भी हमारे घर में भी होता है, मैं वहाँ भी जाकर कथा सुन लेती हूँ, मंदिर में भी जाती हूँ, कथा कर रहे हैं भाई। उसके बाद फिर गाइस कथा हो गया है और मैं अब जाऊंगी घर। कथा हो गया है सारे लोग, ये देख सकते हैं ये मंदिर। दुर्गा माता, ये शंकर जी हैं। तो गाइस देख सकते हैं मैं घर में भी आ गई हूँ, और घर में इसी तरह कथा होता है, और कोई भी कथा बोल देता है, हम लोग बस सुन लेते हैं। और ये देख सकते हैं छोटकी बच्ची को बहुत अच्छे से सज धज के आई है, और पूरे काजल लपेट ली है, पूरे चेहरे में दम मियाऊ बन गई है, मियाऊ क्या ही बोले, और प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। दो चोटी बांधी थी और पूरे काजल पूरे चेहरे में फैला ली थी आराम से। अब पूजा हम लोग कर रहे थे तो जाके दी, देख सकते हैं इसको मैं रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा से मिली हूँ, ताकि पूरा चेहरा इसका दिख सके, जब बड़ी हो तो ये देख सके कि छोटी मम्मी बड़ी मम्मी कैसा डाल दी है मेरा वीडियो। तो ये देख सकते हैं, और बहुत वहाँ पर बस थोड़ा सा खेल रही थी, और कथा होने के बाद की मैं देख रही हूँ कि खेल रही थी। फिर हम लोग आरती किए सब मेरे के, और कथा वथा हो गया तो फिर आरती किए, और फिर हम लोग का पूजा इसी तरह समाप्त हो गया। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे घर में अच्छे से जो बनता है गुजिया बनता है, ये क्या बोलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व है, छठ हो गया, जितिया और तीज, ये तीनों बिहार का सबसे बड़ा पर्व, जो कि हर महिलाएं मैक्सिमम करती है जिनके बच्चे होते हैं, तो तीज व्रत रखती है और बिल्कुल निखंड होता है, और सारा दिन कुछ भी नहीं खाना है पीना है कुछ भी नहीं, सारा 24 आवर्स का व्रत होता है। फिर नेक्स्ट डे पारण होता है, पारण के दिन नोनी का साग बनता है, और फिर मड़ुआ का क्या बोलते हैं वो बोलते हैं ये हलवा बनता है, पकौड़ी बनता है। तो गाइस व्रत के बिहान भैला जैसे पारण के दिन, फिर पूजा वूजा करने के बाद हमारे यहाँ पकौड़ी बनता है, जो कि मैं उसका वीडियो नहीं बनाई थी, पकौड़ी में सुबह में चाय पकौड़ी बनाए थे हम लोग, और ये देख सकते हैं दोपहर का मैं बनाई हूँ, जो कि कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा, काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। और कढ़ी बनाए थे, फिर ये पकौड़ी बनाए थे, फिर चावल बनाए थे, फिर आप देख सकते हैं साग बनाए थे पोरू का पत्ता का, फिर पकौड़ी, फिर कंदा का चोखा बनाए थे, जो घर में जिसको जो खाना था बस वही बनाए, नेनुआ का चना का सब्जी बनाए, चावल बनाए, तो जिसको जो खाना था तो मैं बना दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखने के लिए बहुत बहुत